राजा गया लड़ाई में, मियाँ गई कढ़ाई में। तुम भी आ जाओ बाहर, डाल दूँ तुम्हें सूली की चढ़ाई में। आओ बाहर आओ, बाहर आओ ना। भागने का क्या फायदा है डॉली, मैं जीत गई, मैं जीत गई। जा रहा है शांतनु, जल्दी वापस आना, नहीं तो तुझे पता है ना क्या होगा। Thank you.
सारे सरप्राइज नौकरों के साथ शेयर करोगे क्या? हैप्पी एनिवर्सरी चारू। सरप्राइज देना चाहते थे कि हार्ट अटैक? एक सेकंड कहते लगा कि सच में गला दबाने वाले। मैडम उसके लिए भी टाइम है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। पर मेरा गिफ्ट कहाँ है? पिछली बार की तरह इस बार भी एक अंगूठी देके जान छुड़ाने का इरादा तो नहीं ना? माय डार्लिंग वाइफ, अपने पति को इतनी जल्दी अंडरएस्टिमेट मत करो। तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट अभी किसी भी वक्त आता होगा। रियली? एक आदमी आया है आपसे मिलने के लिए, बोल रहा है खुरमानी से आया। अब ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट आ गया। वाओ। जाना है शांतनु, जल्दी वापस आना, नहीं तो तुझे पता है ना क्या होगा। क्या बात है। अच्छा। ओ मिसेस शांतनु। हेलो सर। हाउ आर यू? वेरी गुड। हेलो मैडम। हेलो। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। दिस इज फॉर यू सर। एज अ पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज सर, मैं आपको पर्सनली अपने कुरमानी रिजॉर्ट के लिए पिक करने आया हूं। मिस्टर जय। यप। जैसा कि मैंने आपको मेल में बताया था, हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से आप अपने साथ 3 लोग ले जा सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली विदाउट एनी चार्जेस। रियली? वाओ। भाई अब घर पे जिसका हुक्म चलता है उसी के दोस्त जाएंगे क्यों? वेरी फनी। शांतनु जी, वैसे आप हमें पिक करने इतनी दूर क्यों आए? हमें हम खुद ही आ जाते ना। अब वो क्या है मैम कि खुरमानी जाने का रास्ता आसान नहीं। एक्चुअली वहाँ के डायरेक्शन वायरेक्शंस काफी कॉम्प्लिकेटेड से, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सर्विस स्टार्ट की अपने स्पेशल गेस्ट के लिए। बस अब देर किस बात की है, बताइए आप किन के साथ जाना चाहेंगे? आई गेस फिर हम अपने खास 3 दोस्तों को ले जाते हैं जिनके से हम मिले। श्योर, मैं भी कॉल करता हूँ। आप आ रहे? मैं फोन किया, वो 3 तो गोवा गए हुए हैं। हो गया तुम्हारा सरप्राइज? सरप्राइज। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सी वी आर हियर। हैप्पी एनिवर्सरी। अब हुआ सरप्राइज। कम लेट्स गो इन। जय यू डेविड। हाय। Hi, thank congratulations. You. Hey, buddy. Yes, buddy. Surprise to abhi tum sabko milne wala hai. Bahut jald. Aaiye, please. Yes. It's party time. Let's have fun. Come on, let's go. Maza aayega. यार जय, मैंने खंडाला सुना है, मैंने खारगढ़ सुना है, लेकिन ये कुरमानी कहाँ से मिल गया तुझे? I know. I mean, इस जगह का नाम ना मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और ये जो फ्री ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का फंडा है ना बॉस, ये लाइफ टाइम में कभी नहीं सुना मैंने। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हाँ। मैंने खुरमानी को नहीं ढूंढा, खुरमानी ने मुझे ढूंढा। ये जगह थोड़ी आइसोलेटेड है इसलिए किसी भी ट्रैवल ब्रोशर या गाइड में नहीं मिलेगी। अपेरेंटली एक पुरानी सी हवेली है जिसे अभी अभी रिसोर्ट में कन्वर्ट किया गया है। यार जय, पर तुझे ये सब कैसे पता? मिस्टर शांतनु ने मुझे कुछ ही दिन पहले फोन किया था। अपेरेंटली मेरे एक एक्स बॉस वहाँ वैकेशन करने गए थे और उन्होंने रिकमेंडेशन फॉर्म पर मेरा नाम लिख दिया। अब बॉस ऑफिस से रेजिग्नेशन देकर वैकेशन से ही गायब हो गए अमेरिका, लेकिन मेरा नाम लिख दिया और एक अमेजिंग हॉलीडे पैकेज डील छोड़ दिया मेरे लिए। अमेजिंग ना? या इट इज। बट इत्तेफाक की बात तो सुनो,
मिस्टर शांतनु का कॉल आया मुझे एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले और उन्होंने मुझे एक अमेजिंग डील दी. यू नो व्हाट द डील इज? द डील इज 60% ऑफ और तीन दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. वाओ, कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस नहीं है? आई मीन आई एम पर्सनली फाइंडिंग इट वेरी डिफरेंट, डोंट यू गाइस थिंक सो? लोग अपनी खिड़की नीचे मत कीजिएगा, ये लोग यहाँ के लोकल लुटेरे हैं. कहाँ गए? कौन थे? ये कैसी जगह है? मुझे नहीं जाना यहाँ पर. यार मल्लिका ठीक कह रही है यार, मेरी बात मान, अभी के अभी वापस चल, अभी वापस चल. हाँ. नहीं नहीं, अभी हम लोग मुंबई से 200 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, वापस जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा. नहीं यार वापस चल, मुझे भी नहीं जाना. प्लीज लेट्स गो, प्लीज. गाइस 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 चल यार वापस. गाइस गाइस प्लीज रिलैक्स. गाइस मेरी बात सुन, देखो हम कुर्बानी के करीब है और मुंबई से बहुत दूर आ चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, इट्स नॉट सेफ. बस मेरी बात सुनो, अब अभी सब अनसेफ है, हम अमृतसर जाते हैं, कल सुबह वापस निकलेंगे. ओके ओके शांतनु, यहाँ से रिसोर्ट कितना दूर? बस थोड़ी दूर है, आने वाला है. प्लीज सर जल्दी चलना. प्लीज फास्ट. हाय यार जय. यार ये जगह बहुत अजीब सी है, आई मीन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. गाइस गाइस रिलैक्स यार, छोटी छोटी जगहों में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती रहती है, राइट? तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? तो कौन मल्लिका, देखो इम्पोर्टेंट थिंग इज हम सेफ है और कल आई प्रॉमिस हम दूसरा रास्ता पकड़ के जाएंगे. ओके बट यार अभी मूड ठीक करो यार, लेट्स सेलिब्रेट. देखो इतने दिनों के बाद हम वेकेशन मनाने आए, लेट्स एंजॉय. अच्छा तो ये इस रिसोर्ट का ओरिजिनल नाम होगा. वेलकम टू रेड पाम रिसोर्ट. एक्सक्यूज मी, हमारा ये लगेज कौन लेके जाएगा? डोंट वरी सर, स्टाफ अभी ब्रेक पर है पर आपका सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा. या ग्रेट, लेट्स गेट द बैग्स. मल्लिका क्या हो गया? उधर कोई था? अरे मल्लिका वहां पे कोई भी नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? वहां कोई नहीं है मल्लिका. कोई नहीं होगा भी तो यार कोई गेस्ट होगा ना, जस्ट चिल. क्या मैं कह रही हूँ ना, कोई था होगा. मल्लिका वहां पे कोई भी नहीं है, काम डाउन. ओके हम एंजॉय करने आए ना. ओके लेट्स एंजॉय. आइए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखाता हूँ, चलें. ओके चलो. बोलो बोलो क्या बनाऊं इनकी कहानी. ओह माय
माय गॉड, फिर वही सब होगा यहाँ। कहाँ ले जा रहे हो जय? सुबह मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे, अब कहीं मेरा सर्वर मत उड़वा देना। अरे मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मर्डर की बात कर रही हो। कम ऑन, एटलीस्ट ट्राई एंड ट्रस्ट मी। ओके। Guys, let's raise the toast to the happy couple. God bless you. Cheers! Woo! Yay! Guys, now let's have some music and dance. Yo! That's it, guys. हम कल ही मुंबई के लिए वापस चलेंगे। Exactly. क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है और मुंबई जाकर मलिका को डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक, हम कल सुबह मुंबई के लिए निकलेंगे। I don't get it. तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सब जब हॉल में थे तो हम सबके अलावा कोई और भी था, या फिर शायद थी। वो हील वाली सैंडल की आवाज, वो लकड़ी की छड़ी की आवाज, और मलिका जब हम सबको खेल खेलने के लिए कह रही थी ना, that was not at all मलिका। पर अगर वो बेहोश ना हुई होती ना, क्या पता हम अभी के अभी यहां से जा सकते थे। कैसे चले जाएंगे किमाया,
बाहर गाड़ी तक तो है नहीं क्या? और ना शांतनु नजर आ रहा है ना उसकी गाड़ी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, पूछता हूँ। इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं सर? इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है। कौन जाने बाहर कौन घूम रहा हो? ये कौन है? मैं इस रिसोर्ट की स्टाफ हूँ सर। अच्छा, लेकिन हमें तो कोई स्टाफ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं हूँ। देखो, हम तुम्हारे फालतू ड्रामे के लिए यहाँ नहीं आए हैं। रिलैक्स सर। और यहाँ गाड़ी क्यों नहीं है? शांतनु सर कुछ काम से गाड़ी साथ ले गए हैं। सुबह तक गाड़ी भी आ जाएगी और वो भी। रख दो। तीन बजने ही वाले हैं। गुड नाइट। एक सेकंड, गाइस लिसन। शायद यहाँ हम सबके अलावा कोई और भी हो। आई मीन, क्या मैं जाकर देखूं? क्या पता उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर उन्हें कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारी मदद हो सके। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, यू आर राइट की माय, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विल बी बैक। हाँ, देखता हूँ ये जगह है क्या, पता लगाता हूँ कि हम कौन सी परेशानी में फंस गए। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? हेलो, क्या नाम था उसका? हाँ, ऑरेंज गार्डन। ये तो वही लोग लग रहे हैं जिन्होंने हमारी कार के ऊपर हमला किया था। कहीं कहीं वो लोग हमें बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? देखो, यहाँ हील्स वाली सैंडल मिली है। देखो, किमाया, किमाया, ये अलमीरा के अंदर क्या कर रही हो? आर यू ओके? ऐसे ऐसे डराओ मत मुझे किमाया। डरा नहीं रही, मैं तो बस लुका छुपी खेलने के लिए बुला रही हूँ। तीन बज चुके हैं, जा और जाके चुप, और मैं तुझे ढूंढूंगी। जितना दूर जाएगा उतना मजा आएगा, मिया फिर तुझे ढूंढेगी। <दूर जाएगा। laughs>
भाग मत, मैं अभी पकड़ती हूँ तुझे। सॉरी वंश, तुम यहां से नहीं भाग सकते। मियां का ये चूहे बिल्ली का खेल तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम भाग गए तो वो हमें मार देगी। उठ गया तू? अब तेरे साथ लिपका छुपी खेलेंगे। मलिका, जय उसके पास मत जाना, वो मलिका नहीं है, चल भाग यहाँ से। जय चल मलिका, चल बुद्धू राजा, बेवकूफ रानी, चुप लो, कहीं भी ढूंढ निकालेगी तुम्हें मियां से आने। आ रही हूँ मैं। अबे भाग! Guys, हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो हमें मार देगी। वो मियां, वो यहाँ के ओनर रीटा की सौतेली बेटी है, और वो एक साइको किलर है। उसने 6 लोगों की जान ली है। उस रात जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर हमला किया था, वो लोग हमें यहाँ पर आने के लिए रोक रहे थे, क्योंकि वो इस रिसोर्ट में आए थे और वो मारे गए थे। इसीलिए मियां की आत्मा आज तक यहाँ भटक रही है, और वो हमें से किसी के अंदर भी आ सकती है। गाइस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स गो। चलो 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 चलो, लेट्स गो। मच, चलो। शांतनु, ये क्या कर रहे तुम? अरे मच, शांतनु प्लीज। शांतनु प्लीज, गन नीचे रख दो। बस रुक जाओ शांतनु, ये क्या कर रहे तुम? प्लीज प्लीज गन नीचे रख दो। सॉरी माय फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि हम यहाँ तुम्हें मियां के साथ लुक्का छुपी का गेम खेलने के लिए ही लाए, और अगर तुम लोग भाग गए तो वो हमें मार देगी और उसकी मां हमारे परिवारों को। तो तुम लोग यहां से भाग तो नहीं सकते। एक, दो, तीन। चुपो। तीन बज चुके हैं, छुप जाओ तुम लोग, जाओ छुपो। छुपो। या अंदर 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 ही छुप जाते हैं। हाँ चल। अच्छे से छुपे होना तुम लोग।
ये छड़ी, कहीं रीटा मियां को इसी छड़ी से तो नहीं मारती थी? इस छड़ी का जगह जगह मिलना जरूर इसका कोई मतलब है। मल्लिका की आवाज नहीं थी, हमें जय को बचाना पड़ेगा मल्लिका के पास आने से। हाँ, कैसे भी करके, हमें कैसे भी करके उसे बचाना पड़ेगा। जय, जय, वो तेरी मल्लिका नहीं है, मत जा उसके पास। मल्लिका, 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 हर आराम से। मल्लिका क्या हुआ? जय रुक जा, उसको मत उठा, वो तेरी मल्लिका नहीं है, रुक जा। मल्लिका, मल्लिका कितना खून बह गया। मल्लिका, मल्लिका आई ओके? अमय, मल्लिका ठीक है? मैंने तुम सबको पकड़ लिया। बस खेल खत्म। चलो अब खेलते हैं पकड़ा पकड़ाई। भागो 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 भागो। जल्दी से 5 बजे ताकि लुका छुपी का खेल खत्म। तू जिंदा है? खैर, 5 बज चुके हैं, हो सकता है तू बच जाए। मुझे लगा कि आप मर चुकी हैं। आप तो मियां की सौतेली माँ रीटा है ना? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, मियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शहतूत की छड़ी से मैं उसे रोज मारा करती थी, जिंदगी भर वो दहशत में जीती रही और आज भी उसी दहशत में है। मरने के बाद भी जब तक ये छड़ी मेरे पास है, मियां यहां नहीं आ सकती। और इन दोनों लाशों को तो मैंने शांतनु और एलिना को बेवकूफ बनाने के लिए रखा है, ताकि वो मियां के इस खूनी लुक्का छुपी के खेल में तुम जैसे बेवकूफ लोगों को पकड़ पकड़ कर ले आए।
पर जब तक मैं जिंदा हूँ यहीं इसी नरक में फंसी रहे। अरे भाग ने कहा हो खेल खत्म ही हुआ अभी। उस रात करीब 3 और 5 के बीच मियां ने 6 लोगों का खून कर दिया और गलती से अपने आप को भी मार दिया। लेकिन उसका कहर खत्म नहीं हुआ। आज भी उसकी रूह सारा दिन भटकती है। लेकिन उसका ये खूनी खेल शुरू होता है 3 से 5 के बीच। और अब तुम सब उसके इस खूनी खेल में फंस चुके हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। नहीं मरेंगे। पकड़ लिया। तुम अब तक छुपे नहीं, अब तुम सबको सजा मिलेगी। मल्लिका भाग। छड़ी से मारेगी मुझे तू? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? कोई नहीं बचेगा। वो दोनों भाग गए। मुझे लगता है वो दोनों भाग गए। भाग गए। एक है राजा, एक है रानी। पांच बजे नहीं आ गई मियां सयानी। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।